वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एनबीए का जो मैच होने वाला है पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स वर्सेस मिलवॉकी बक्स के बीच में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ रही थी लास्ट मैच की विनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 9 out of 9 कंटेस्ट यहाँ पर विन किए। JL मिस की हमने यहाँ पर ड्यू टू PP, अगर PP चेंज होती तो JL में रैंक वन होता। उसी के साथ सभी कंटेस्ट मोर देन 30 पॉइंट्स से यहाँ पर विन किए। बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7। अगर यहाँ पर दोनों टीम का अगर कंपेरिजन करें तो पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, इनके सभी स्टार प्लेयर खेल रहे हैं। पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर लास्ट 4 out of 4 मैचेस यहाँ पर विन के साथ आ रही। मिलवॉकी बक्स अपने लास्ट 4 out of 3 मैच लॉस होकर आ रही, और उसी के साथ साथ लास्ट मैच यहाँ पर ये विन होकर मैं आ रही। बाकी सेम टाइम और एक मैच होने वाला है, इसका भी वीडियो आपको ऊपर आया आइकॉन वाला बटन यहाँ पर प्रेस करके उसका भी वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी दोनों टीम की तरफ से अगर बात करेंगे प्रोबेबल स्टार्टर, सबसे पहले पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स डिलिलर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिमैकलम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यन पोवेल शो कर रहे शूटिंग गार्ड से, लेकिन यहाँ पर खेलेंगे ये स्मॉल फॉरवर्ड से। बेस्ट पिक है, मस्ट है, ट्राई करना। उसी के साथ साथ आर कोविंग स्टंग स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड से, जो नोरकिस जो कि यहाँ पर वापस आ चुके हैं, और जे नोरकिस स्टार्ट करेंगे। एक एंट्रस एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे। प्रोबेबल 5 स्टार्टर आपको पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स की तरफ से ये देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो डिलिलार बेस्ट पिक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर सिमैकलम दोनों भी बेस्ट पिक है, ऑफेंसिव चार्ज दोनों संभालेंगे। बाकी यहाँ पर मिलवॉकी बक्स की तरफ से जो ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ साथ डीडे वंसा जो स्टार्ट करेंगे, लास्ट मैच बहुत बढ़िया गया था, केमिल्टन ऐसे स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट थोड़ा सा है, जे एंटिकोनोमो 24.5 क्रेडिट के प्लेयर है, अगर इनको टीम में पिक करना है तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। सेंटर से बिलुप स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबल 5 स्टार्टर आपको ये देखने को मिल सकते हैं मिलवॉकी बक्स की तरफ से। बाकी क्या कुछ रहा था लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, जे हॉलीडे रिसेंटली मैच बेस्ट गए और बेस्ट पीपी चॉइस आज के मैच में मिल जाएंगे। वी फेवरेट्स खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस दोनों के लिए भी लास्ट मैच बढ़िया गया था, खास करके यहाँ पर जे हॉलीडे लास्ट मैच बेस्ट गया था, 4 स्टील उसी के साथ साथ 28.8 रिबाउंड 6 असिस्ट और 1 ब्लॉक के साथ। उसी के साथ साथ बी फॉबरिस एज अ बेंच प्लेयर लास्ट मैच मिले थे 20 मिनट, ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 मिनट के अराउंड इनको टाइम आज के मैच में भी मिल सकता है। बाकी लास्ट मैच 9.1 रिबाउंड और 2 स्टील इन्होंने किए थे। जो सेकंड मैच रहा था बी फॉबरिस का, यहाँ पर भी 18 मिनट 8.2 रिबाउंड और 1 स्टील इनके तरफ से आया था। जे हॉलीडे फिर से बेस्ट, 3 स्टील 1 ब्लॉक 7 असिस्ट 4 रिबाउंड और 24 यहाँ पर पॉइंट के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस हमेशा से रहता है। बेस्ट पीपी और एसपी चॉइस आपको जे ऑलरेडी यहाँ से मिल जाएंगे। ऑफेंसिव चार संभालेंगे डीडे वंसा जो, इनके लिए भी बढ़िया रहा था मैच का लास्ट का मैच पी कॉन्गटॉन यहाँ पर खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर। लास्ट मैच डीडे वंसा जो का जो रहा था 31 मिनट खेलकर 13.5 रिबाउंड 2 असिस्ट और 3 स्टील इन्होंने किए थे। पी कॉन्गटॉन टाइम बेस्ट मिला था, 5.5 रिबाउंड इन्होंने दिए थे। जो सेकंड मैच रहा था पी कॉन्गटॉन का, यहाँ पर बढ़िया रहा था परफॉर्मेंस क्रेडिट के हिसाब से। बाकी अगर यहाँ पर बात करूंगा डीडे वंसा जो, इनके लिए यहाँ पर ये मैच एवरेज रहा था 5.6 रिबाउंड 3 असिस्ट और 2 स्टील के साथ। बाकी दोनों प्लेयर यहाँ पर बेस्ट थे, खास करके यहाँ पर डीडे वंसा जो जिनका लास्ट मैच बहुत बढ़िया गए। 8 क्रेडिट के प्लेयर है पी कॉन्गटॉन, JL में मस्ट है, ट्राई करना। ऑलमोस्ट यहाँ पर रिसेंटली 2 मैचेस में इनको 25+ मिनट मिले, हो सकता है अच्छे खासे पॉइंट आपको यहाँ से दे देंगे। केमिल्टन स्टार्ट करेंगे, 17 क्रेडिट के प्लेयर है, JL में ट्राई कर सकते हैं। एंटिकोनोमो 5.5 क्रेडिट के प्लेयर है, क्रेडिट सेवर है, बैंक से खेलेंगे, टाइम अच्छा खासा मिलेगा। बाकी लास्ट मैच का परफॉर्मेंस केमिल्टन 36 मिनट खेलकर 17.6 रिबाउंड 8 असिस्ट और 1 इन्होंने यहाँ पर स्टील किया था। बाकी यहाँ से अगर बात करूँगा एंटिकोनोमो 12 मिनट खेलकर 8.1 रिबाउंड और 2 स्टील इनके तरफ से आए थे। जो सेकंड मैच रहा था एंटिकोनोमो 19 मिनट खेलकर 7.1 रिबाउंड और 1 स्टील 5.5 क्रेडिट के प्लेयर है। और केमिल्टन का भी परफॉर्मेंस यहाँ पर अबव एवरेज रहा था 15.3 रिबाउंड और 3 असिस्ट के साथ। बाकी केमिल्टन JL के लिए बेस्ट पिक मिल जाएंगे, एंटिकोनोमो क्रेडिट सेवर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का थोड़ा सा इशू होने वाला है, बाकी इसलिए यहाँ पर सभी लोग इनके साथ यहाँ पर जा रहे हैं। बाकी यहाँ से जे एंटिकोनोमो 24.5 क्रेडिट के प्लेयर है, प्लेयर यहाँ पर स्टार प्लेयर है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। अगर इनको टीम में मैनेज करना है तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बाकी लास्ट मैच का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा था, 25.10 रिबाउंड 4 असिस्ट और 3 ब्लॉक के साथ। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी 32.6 रिबाउंड 3 असिस्ट और 1 ब्लॉक इनके तरफ से आया था। बाकी क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ पर पिक करते हो आप इनको क्रेडिट मैनेज करके तो मस्ट है, यहाँ पर SP बना दीजिए। अगर यहाँ पर ड्रॉप करते हो तो फिर यहाँ पर आपके पास और ज़्यादा अच्छा अच्छे प्लेयर इतने क्रेडिट में अवेलेबल हो जाएंगे। बिलुप्स करेंगे स्टार्ट, बिपोर्टिस GTD गेम टाइम डिसीजन नहीं खेलते या नहीं खेलते अभी कंफर्म नहीं। बाकी बिलुप्स एज अ स्टार्टर रिसेंटली मैचेस का बिलुप्स का परफॉर्मेंस, लास्ट मैच टाइम बेस्ट मिला था 4.5 रिबाउंड उसी के साथ साथ 3 असिस्ट और 4 ब्लॉक इनके तरफ से आए थे। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी 22 मिनट खेलकर 7.1 रिबाउंड 1 असिस्ट और 2 ब्लॉक यहाँ पर भी आए थे। और जो थर्ड मैच रहा था, थर्ड मैच में भी यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस आया था, 12
पॉइंट, उसी के साथ साथ 10 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 ब्लॉक और 4 स्टील। तो तीनों मैचेस में इन्होंने यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर हर मैचेस में यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक किए, हर रिसेंटली 2 मैचेस में अगर बात करूँ तो हर मैच में यहाँ पर 2+ यहाँ पर इन्होंने ब्लॉक किए। मस्ट ट्राई करना, 11 क्रेडिट के प्लेयर है, सेंटर से खेलेंगे और टाइम इनको अच्छा खासा यहाँ से मिल रहा है। बाकी अगर बात करेंगे पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, तो पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स की तरफ से डिलेलार स्टार्ट करेंगे, बेस्ट प्लेयर है, ऑफेंसिव चार्ज डिलेलार संभालेंगे और बेस्ट एसपीपी चॉइस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ इनकी असिस्ट प्लस यहाँ पर पॉइंट, लास्ट मैच में भी 33 पॉइंट 4 रिबाउंड 10 असिस्ट और 1 स्टील इनकी तरफ से आया था। जो सेकंड मैच रहा था 22 पॉइंट 3 रिबाउंड और 11 असिस्ट इनके तरफ से आए थे। मस्ट ट्राई करना, उसी के साथ साथ बेस्ट एसपी चॉइस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सी मैकलम 17.5 क्रेडिट के प्लेयर है, इनका क्रेडिट थोड़ा सा कम हुआ है। यन पॉवेल 11.5 क्रेडिट, मस्ट है, हो सके तो यहाँ पर जीएल में ड्रॉप करके चले जाना, लेकिन स्मॉल लिफ्टिंग के लिए मस्ट है, ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास आपके रहने वाले। ए सिमसन एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, प्लस आपको यहाँ से क्रेडिट सेवर अवेलेबल हो जाएंगे। सी मैकलम का लास्ट मैच 24 पॉइंट 3 रिबाउंड 6 असिस्ट 2 ब्लॉक 1 स्टील। यन पॉवेल 34 मिनट खेलकर 14 पॉइंट 3 रिबाउंड 2 असिस्ट 2 ब्लॉक और 3 स्टील, बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों का भी आया था। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर बात करूँ ए सिमसन, जो कि क्रेडिट सेवर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 14 पॉइंट 4 रिबाउंड और 3 असिस्ट इनकी तरफ से आए थे। 10+ मिनट ऑलमोस्ट हर मैच में ए सिमसन यहाँ से खेलते, क्रेडिट सेवर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी दोनों यहाँ पर बेस्ट पिक आपको अवेलेबल हो जाएंगे और एज ए स्टार्टर भी खेलेंगे। सियांतेन बैन से खेलेंगे, बैन से ऑफेंसिव चार संभालेंगे, फॉरवर्ड से मस्ट है, ट्राई करना जीएल में। बाकी स्मॉल लीग के लिए थोड़े से आप इनको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा होने वाला है। बाकी लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, टाइम बेस्ट मिला था, परफॉर्मेंस बेस्ट आया था 16.3 रिबाउंड 1 स्टील के साथ। जो सेकंड मैच रहा था 8.3 रिबाउंड 2 असिस्ट और 1 ब्लॉक के साथ, फिर से यहाँ पर बेस्ट टाइम मिलकर परफॉर्मेंस अच्छा खासा आया था। और कौन इशू स्टार्ट करेंगे, मस्त है, ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास रहने वाले। डीजॉन्स एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस और कोवरिंग स्टोन का 16.6 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक 3 स्टील। जो सेकंड डी जॉनसन जेआर का 3.4 रिबाउंड 2 ब्लॉक और 1 स्टील, डी जॉनसन को आप ड्रॉप करके चले जा सकते हो। डी जॉनसन का सेकंड मैच बहुत बढ़िया गया था 16.3 रिबाउंड 2 ब्लॉक और 1 स्टील के साथ, और कोवरिंग स्टोन हमेशा से बेस्ट रहे ब्लॉक और स्टील के साथ, और उसी के साथ साथ पॉइंट और रिबाउंड भी इन्होंने अच्छे खासे किए। और 11.5 क्रेडिट के प्लेयर है, नो डाउट ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास आपके रहने वाले। एक इंटरेस्ट खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर, जो नॉर्किस करेंगे ऐसे स्टार्ट, 12 क्रेडिट के प्लेयर है। एक इंटरेस्ट की अगर बात करूँ, जो नॉर्किस को अभी इतना टाइम मिल नहीं रहा है, लास्ट मैच में अगर देखेंगे 21 मिनट खेलकर 6.6 रिबाउंड 4 असिस्ट 1 स्टील ड्रॉप करके चले जा सकते हो। बाकी एक इंटरेस्ट बैंक से खेलते हैं, टाइम इनको बेस्ट मिल रहा है, 10.8 रिबाउंड 1 असिस्ट लास्ट मैच में आए थे। जो सेकंड मैच रहा था एक इंटरेस्ट का 10.8 रिबाउंड 1 असिस्ट इनके तरफ से आया था। बाकी जो नॉर्किस 10.4 रिबाउंड 2 असिस्ट और 1 ब्लॉक इनके तरफ से आया था, लेकिन टाइम देखेंगे दोनों मैच में इनको रिसेंटली दोनों मैच में ऐसे जो नॉर्किस को टाइम कम मिला है, तो ड्रॉप करके चले जा सकते हो। जेल में हो सके तो ट्राई करना, एक इंटरेस्ट यहाँ से बेस्ट पिक मिल जाएंगे, जो कि एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे। बाकी अगर बात करूँगा ड्रीम इलेवन टीम, तो डिलीलार के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ जी एंटीकोनोमो, जिनका क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। बाकी डिलीलार मेरे एसपी होने वाले, जो ऑलरेडी मस्त है, बेस्ट यहाँ पर पीपी चॉइस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बी फॉब्रिस को यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, जो कि एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे, टाइम इनको बेस्ट मिलेगा। सी मैकलम के साथ जा रहा हूँ, जो कि ऑफेंसिव चार संभालेंगे, क्रेडिट थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी यन पॉवेल फॉरवर्ड से खेलेंगे, बेस्ट है, डी डेवन साजो को क्रेडिट की वजह से मुझे यहाँ से ड्रॉप करना पड़ रहा है। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर डी डेवन साजो को पिक कर सकते हो यन पॉवेल की जगह पर। ए सिमसन एज अ क्रेडिट सेवर ले रहा हूँ, 10+ मिनट बैन से खेलेंगे, बाकी टाइम इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर गार्ड से खेलेंगे, हो सकता है शूट अच्छे खासे पॉइंट कर लेंगे। बाकी क्रेडिट सेवर इनके साथ में यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी टी एंटिकोनोमो एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, रिसेंटली मैचेस में टाइम बढ़िया मिला है और बेस्ट परफॉर्मेंस आया था। बाकी सी एंथनी और के मिल्टन स्मॉल फॉरवर्ड से, ये जो सेक्शन है जीएल के लिए बेस्ट सेक्शन है। के मिल्टन और सी एंथनी दोनों को भी यहाँ पर आप जीएल में ट्राई करना, रोटेट करके दोनों भी यहाँ से बेस्ट पिक है। बाकी जे एंटिकोनोमो इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्रेडिट की वजह से, और कोवरिंग स्टोन मस्त है, ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास आपके रहने वाले। बी लूप्स रिसेंटली मैचेस में ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 मिनट खेले, और जे नॉर्किस और एक एंट्रेस की अगर बात करूँ तो दोनों यहाँ पर सेंटर से खेले। जब तक यहाँ पर जे नॉर्किस आउट हो चुके थे, एक एंट्रेस को बेस्ट टाइम मिल रहा था, लेकिन जे नॉर्किस यहाँ पर इन हो चुके, जे नॉर्किस को भी अभी तक इतना टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन एक एंट्रेस एज ए बेंच प्लेयर दोनों को भी यहाँ पर एवरेज यहाँ पर 25 मिनट यहाँ पर मिल रहा है, और बेलूप्स यहाँ पर ज़्यादा टाइम, इन दोनों से भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम खेल जा रहे हैं। और रिसेंटली मैचेस में ब्लॉक इन्होंने हर मैचेस में यहाँ पर 2 ब्लॉक से यहाँ पर ज़्यादा ही किए, या फिर 2 ब्लॉक या फिर उससे ज़्यादा किए, इसलिए यहाँ पर मैं बेलूप्स के साथ जा रहा हूँ। और इन दोनों को पिक करने के लिए मेरे पास अभी के लिए क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं। बाकी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर वीक पॉइंट है ए सिमसन,
आपके पास क्रेडिट अवेलेबल हो तो ए सैमसंग के जगह पर आप डी डिवेंस साजो को यहाँ से इजीली पिक कर सकते हो, जो अदर विजन 11 और उसी के साथ साथ 11 चैलेंजर्स एप्लीकेशन है वहाँ पर अगर क्रेडिट मैनेज हो जाते हैं आपके तो यहाँ पर ये एक चेंजेस आप यहाँ पर कर लेना। बाकी जो फाइनल ड्रीम 11 टीम है ऑलमोस्ट मेरी यही रहने वाली, जो सभी यहाँ पर इंजरी अपडेट से वो ऑलमोस्ट आ चुकी। बाकी अगर इसमें भी कोई चेंजेस होते तो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए ये टीम सेव करके रखना। एसपीपीपी चॉइस की अगर बात करूँ, डीलेलर ऑफेंसिव चार संभालेंगे, यहाँ पर ये आपको असिस्ट और उसी के साथ साथ यहाँ पर पॉइंट बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। बाकी यहाँ से अगर इनका दिन खराब हुआ तो फिर यहाँ से ये कम पॉइंट दे सकते हैं, अदरवाइज बेस्ट प्लेयर है ऑफेंसिव चार्ज यही संभालेंगे। पोर्टलैंड की तरफ से जे हॉलीडे बेस्ट यहाँ पर पीपी चॉइस है, रिसेंटली मैचेस इनके लिए बहुत बढ़िया गए, इन्होंने स्टील भी अच्छे खासे किए, प्लस यहाँ पर पॉइंट रिबाउंड और असिस्ट भी बेस्ट है, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर जे हॉलीडे के साथ पीपी जा रहा हूँ। बाकी यहाँ से सेकंड जो पीपी चॉइस है जे मैकलोम को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आर कोवरिंगस्टोन जीएल के लिए बेस्ट है यहाँ पर पीपी चॉइस, और बिलुप्स को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बेस्ट प्लेयर यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक कर देना, हो सके तो आपकी प्यारी कमेंट यहाँ पर छोड़ देना। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से अभी भी ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएंगी, लिंक वर्क नहीं करती तो आपको पता है क्या करना है, टेलीग्राम पर सर्च करना है आरबी फंटासी 7। तो ठीक है गाइज, मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आई होप आपने लाइक भी किया होगा, उसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी किया होगा।